मैं कॉलेज से आ गई, और कॉलेज से आने के बाद में यार ये देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो रही है। इतना तो मम्मी ने ठीक कर लिया, बिजी थे बुलंदशहर में, इतने ज्यादा बिजी थे कि बस पूछो मत। हम लोग क्या कर रहे थे बुलंदशहर में, इतना काम। राधे राधे, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग। आज कुछ नए सिरे से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैं जा रही हूँ नोएडा और खुद ड्राइव करके। मेरा मतलब लॉन्ग रूट तो पहले भी हुआ है, बट ये वाला पहली बार है जो मैं नोएडा खुद ही जा रही हूँ, क्योंकि बाकी बार हम लोग क्या करते थे, मतलब नोएडा से मैं दिल्ली और ये सब गई हूँ, बट बुलंदशहर से नोएडा पहली बार गई हूँ। और मेरे साथ मेरी मम्मा भी जा रही हैं, क्योंकि मैं मेरे एग्ज़ाम आने वाला है, तो मेरी हेल्प वगैरह कराने के लिए, और वो बेचारी अकेली रहती, तो मैंने कहा आप भी चलो यहाँ पे। देखो मैं कुछ काम करूँ और दुर्घटना ना घटे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। हम लोग पहुँच गए थे भूड़ से भी आगे, मुझे याद आई मेरा बैग रह गया, तो हमने करा भैया को फ़ोन और गाड़ी घुमा ली, और अब हम काले आम पे खड़े हैं। ये देखो यहाँ पे हम काले आम पे खड़े हैं और भैया आ रहे हैं पीछे से, और जल्दी में हो गई देर, जल्दी में हो गई देर। लो आ ही चुके हैं भैया। भैया अरे भैया फाइनली हम लोग आ ही चुके हैं भाई, आज तो फाइनली आ गए। मैंने बहुत लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलाई है, मेरी कमर बहुत तेज दर्द कर रही है, और जल्दी से खाने खाने का सामान निकाल देती हूँ, और मम्मी इतनी सेंटीमेंटल कर लूँगी सब सामान की। बाय मम्मी, बाय। तो गाइस मैंने मम्मी को छोड़ दिया और जल्दी से कॉलेज जाना, 10:30 यहीं बज चुके हैं, मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई, बस पूछो मत यार। सो गाइस मैं कॉलेज आ गई, और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मेरी जो कार है ना वो अंदर ही खड़ी हो गई कॉलेज के, मुझे लगा कि कहीं अंदर खड़ी ना करे, तो मैंने पूछ आता उन्हें भैया को, तो उन्होंने बोल दिया हाँ क्या कि कार मैं अंदर ही खड़ी करवा देता हूँ। ये सबसे अच्छी बात हुई है मेरे साथ। ये हमारे बिल्डिंग के स्टेयर्स हैं, जो कि बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, बस मैं ही सबसे लेट आई हूँ। देख सकते हो आप, कोई भी बच्चा या कोई भी एक्स वाई जेड दिख ही नहीं रहा है। अब मुझे फोर्थ फ्लोर तक जाना है, मेरी सांस फूल जाएगी इतने। तो सो फ्रेंड्स, हमारी स्टार्टिंग होती है लैब से, जो कि बहुत लंबा पीरियड था, बहुत बहुत ज़्यादा। और जो हमारी लैब की अटेंडेंस होती है ना, वो इस तरीके से लगती है कि हमारे कंप्यूटर नंबर और हमारे साइन, ये सब कुछ होता है, और हमारा नाम लिखा जाता है। फिर हमारा हो गया लंच। लंच टाइम में यहाँ पे सिर्फ 2-3 चीज़ें अवेलेबल है, शेक, मैगी और मोमोज। खाने के मामले में मुझे इसलिए ठीक नहीं लगा, ये मैगी भैया ठीक ठीक ही बनाता है, मुझे इनकी मैगी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं आई, और आप लोग की पता नहीं। फिर लंच ओवर होने के बाद में एकदम से यहाँ पे ऐसा सन्नाटा होता है कि जैसे स्कूल कॉलेज में कोई है ही नहीं, ऐसा करके। और जब लंच स्टार्ट होता है तब इतनी ज़ोर से भागते हैं सारे बच्चे, कि भूख लग रही होती है ना, डेट्स वाई यार मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगती है, मैं भी बहुत तेज़ भाग। सो गाइस आप लोगों ने देखा यार मैं कितनी मेहनत से आई नोएडा गाड़ी चला के, और आज बस हमारी लंच के पहले पहले क्लास हुई, हमारे टीचर्स भी आए, बच्चे भी चले गए सारे, उसके बाद हमारी क्लासेस ख़त्म, और मेरे बहुत ज़्यादा हो चुका है सिर में दर्द। अब बस मैं घर पहुँच रही हूँ, जल्दी से जाती हूँ ए वी जे हाइट्स, फिर मिलते हैं आपसे 1 घंटे बाद। ये हमारे कॉलेज का गेट खुल चुका है, और अब ये मैंने ले ली अपनी गाड़ी बाहर। यस, सक्सेसफुली कॉलेज को बोल देते हैं बाय। मैं कॉलेज से आ गई, कॉलेज से आने के बाद में यार ये देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो रही है। इतना तो मम्मी ने ठीक कर लिया, वरना ऐसी हालत थी कि मैं दिखा नहीं सकती थी, सही बताऊँ तो। और यार इतना गंदा हो रखा था हमारा ये वाला घर, इतना गंदा कि मम्मी हमें कितने दिन लग जाएंगे अभी इसे साफ करने में, 3-4 दिन लग जाएंगे। और बिल्कुल लग के कि आज ये और कल को वो, और ये मैं अपनी कबर्ड खिसका रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके पीछे भी सफाई करनी है, तभी इसको लगाऊंगी अब। मम्मी भाई जल्दी जल्दी करो, हम तो बहुत परेशान हो गए, पता है यार अभी हम लोग इतने बिजी थे बुलंदशहर में, इतने ज़्यादा बिजी थे
कि बस पूछो मत हम लोग क्या कर रहे थे। बुलंदशहर में इतना काम करा शरादों से भागते भागते ये टाइम आ गया। और अब थोड़ा बहुत होश आएगा सफाई वफाई से। चलो तो फंक्शंस आ रहे हैं हमारे फैमिली में और मतलब शादी वगैरह और मेरे एग्जाम। भाई हमारी जिंदगी में होश नाम की चीज नहीं है। अच्छा है बेटा ये लाइफ बिजी है तो। हाँ ये तो है। और ये देखो ये ना फ्रिज मम्मी ने साफ करी है, इतना गंदी हो रही थी। कैसे कलर की हो रही थी मम्मी? हाँ बहुत गंदी हो रही, ब्लैक हो गई थी पूरी। ये चलाई तो पता नहीं बंद कर गए थे भाई, इसको जो भी कर गए थे वो तो मुझे नहीं पता कैसे। हाँ तो इस वजह से। और वैसे यार नई भी होती तब भी वॉश तो करनी ही पड़ती है हमें। गाइस मेरी मम्मा और मैं कहाँ जा रहे हैं बताओ? नीचे जा रहे हैं दवाई लेने के लिए एलर्जी। यार मैं तो आधे से ज्यादा ना मेरा खर्चा दवाइयों में रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं आधे दवाइयों के लिए अंड करती हूँ जो भी करती हूँ ना। यार मैं उस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे ना एलर्जी हो गई है पैरों पे मतलब, और मैं उस चीज से बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मैं अपने लिए दवाइयों में जा रही हूँ अपनी मम्मा के साथ में। और मेरे सुबह से सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है, उसकी भी दवाई लेके आई हूँ। बताई नहीं कितनी दवाई खाती हूँ मैं, आधी मैं दवाइयों पे जीती हूँ बस। देखो गाइस हमारी सोसाइटी कितनी जगमगा रही है, मतलब ये अभी तक दिवाली की लाइट सुतरी नहीं है यहाँ पे। यार बहुत लोगों ने लगाई थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पे भी इतनी अच्छी दिवाली बनती है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही वो करा है। देखो हाँ दिखा दी गाइस, हम लोग ना वहाँ से ऊपर आ गए। उसके बाद में ना मेरी मेडिसिन तो लेके आ गए थे, बस उन्होंने एक टैबलेट दे दी, बोल दिया कि सुबह के फिर शाम को उससे ठीक हो जाएगी। यार अब मैं भूल गई, मेरे को ना फाइल बनानी है। फाइल के लिए पेजेस तो मेरे पास है, बट उसके साथ साथ मुझे अपनी नोटबुक भी बनानी है। कल स्कूल में ज़रूर मेरा प्रैक्टिकल है डिपॉजिट करनी है, वरना मुझे बहुत सारी डांट पड़ेगी। तो इसलिए बस मैं अभी फिर से फाइल लेने जा रही हूँ। यार लिफ्ट बहुत टाइम लगाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इस शॉप से लिया अपना सामान जो जो मुझे लेना था। और ये हमारी ईवीजे की मार्केट थी, आपने देखा होगा अभी रूफ टॉप पे यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। मैंने जो जो सामान लेना था वो सब कुछ ले चुकी थी। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे और अपने फाइल वगैरह सब कुछ लेके। यार स्कूल की तरह सारे काम करने पड़ रहे हैं मम्मी, मुझे तो पूरी स्कूल वाली फीलिंग आ रही है अब। क्या है? नहीं यार और में तो अंतर होता है, इस वाले में तो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरा कल का टाइम देखा होगा कि कल मैं किस टाइम सोई थी किस टाइम उठी थी, है ना। और मतलब मैं आज पूरे दिन क्या करा आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा। और देखो आज से मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। अभी आप लोग टाइम देखो कि टाइम क्या हो रहा है। और मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगी। मैंने अपनी काफ़ी सारी फाइल बनाई है ये देख सकते हो। और अभी तो मैं ये सोच रही हूँ यार मैं अपने व्लॉग्स कब एडिट करूँगी, अपनी रील्स कब अपलोड करूँगी। यार मुझे कोई हायर करना पड़ेगा। आज तक मैं सोचती थी कि जितना मेरा पर्सनल जो चैनल है सिर्फ एक एक चीज़ जो है कि इंस्टाग्राम ये सब, इनके लिए हायर नहीं करूँगी। बट मेरे को तो यार डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब मैंने सोचा था ना जितना कि मैं मैनेज कर लूँगी, उससे ज़्यादा चल रहा है, उससे ज़्यादा डबल वाला सीन। यार मेरे को ना अब तो ऐसा लगता है कि मुझे सोने के लिए भी टाइम है, मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। और मेरी हालत ना अभी से इतनी ख़राब हो रही है, इतनी ज़्यादा ख़राब बस क्या बताऊँ। और मुझे ऊपर से बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रखी है। और मिलते हैं गाइस कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे, लव यू सो मच।